नाला सोपारा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां अवैध निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 5 मजदूर के घायल होने से इलाके में सनसनी फैल गई। अवैध निर्माण का गढ़ कहे जाने वसे विरार के नाला सोपारा क्षेत्र के चौधरी कंपाउंड में अवैध काले का निर्माण कार्य किया जा रहा था और उसी वक्त ये हादसा हुआ, जिसमें अचानक दीवार गिरी और 5 मजदूर मलबे में दब गए। ये 6:30 वाजले की घटना है। साधारण याच्यामध्ये 7 लोग काम करत होते मजूर आणि उंच हाईटचे बांधकाम चालू होते। त्याच्यानंतर एक माणूस जास्तीत जास्त जखमी झाला आहे, अजून त्याची दगावण्याची शक्यता आहे। नाला सुपारा पूर्व के वाकनपाड़ा चौधरी कंपाउंड परिसर में अवैध निर्माण की दीवार गिरने से 5 मजदूर घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद एक बार फिर अनधिकृत निर्माण का मुद्दा गर्मा गया है। वाकनपाड़ा स्थित चौधरी कंपाउंड उद्योगों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण चल रहे हैं। जल्दबाजी और घटिया निर्माण के कारण शाम 5:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच 25 फीट दीवार ढह गई और 5 मजदूर मलबे में दब गए। घटना की जानकारी मिलने पर वसे विरार की प्रभारी सहायक आयुक्त मनाली शिंदे, अधीक्षक सुभाष जाधव, तलाटी से अक्षता गायकर, अग्निशम अधिकारी किशोर पाटिल बेलदार और पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी मौके पर पहुंचे और दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला। मलबे के नीचे दबे मजदूरों को एम्बुलेंस द्वारा पासी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल मजदूरों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। वे 5 घायलों में से कल्पेश नागड़े की मौत हो गई और शैलेश सिंगड़ा, रामू मागे, दशरथ लांगे, भरत दमड़ा, जयश घायल बताए गए हैं। 7 लोग बाहर काढले, 7 लोग जख्मी आहेत, जख्मी अवस्थेत आहेत आणि आता शोध मोहीम चालू आहे। मनपा अधिकारियों ने बताया कि घायलों का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत अब स्थिर है। इस मामले में अनधिकृत निर्माण करा रहे व्यक्ति के खिलाफ पिलहार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। वसेविरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में इस तरह के हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं, उसके बाद भी मनपा अवैध निर्माणों पर रोक लगाने में नाकाम रहती है। हाईकोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर इन दिनों वसेविरार क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। इस घटना से कल्पेश नगड़े की मौत होने से सनसनी फैल गई है। बिना किसी सेफ्टी के क्षेत्र में वर्तमान समय में सैकड़ों अवैध निर्माण कार्य किए जा रहे हैं और भ्रष्टाचार में गले तक डूबे मनपा अधिकारी इनको संरक्षण दे रहे हैं। वहीं मनपा आयुक्त अनिल कुमार पवार इस वक्त छुट्टी पर है और आला अधिकारियों का कार्यभार राम भरोसे है। फिलहाल ये जाँच का विषय है और इस घटना को गंभीरता से लेते हुए इस अवैध निर्माणकर्ता पर पुलिस सख्त कार्रवाई कब करेगी, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए हमारे साथ नवयुग शक्ति न्यूज और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को और फॉलो करें हमारे फेसबुक।